राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में पत्रकारों और उनके परिजनों को कोरोना का टीका लगाया गया। सेंट्रल प्रेस क्लब की मांग पर प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है। बड़ी संख्या में पत्रकारों ने जेपी अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। सेंट्रल प्रेस क्लब के राष्ट्रीय संयोजक विजय दास ने बताया कि कोरोना का असर सभी में है। डॉक्टर, नर्स और पुलिस की तरह मीडिया में काम करने वाले भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं। सेंट्रल प्रेस क्लब ने पहल की है, मीडिया में काम करने वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई गई ताकि उनकी भी जिंदगी सुरक्षित हो सके। उन्होंने पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगवाने पर सीएम शिवराज और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का आभार व्यक्त किया है। मीडिया में काम कर रहा है वो भी एक फ्रंटलाइन वर्कर है, तो सेंट्रल प्रेस क्लब ने ये पहल किया कि मीडिया में जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं, रात को दफ्तरों में जाते आते हैं, उनका भी कोरोना वैक्सीन लगाया जाना चाहिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सके। तो हम आभारी हैं मुख्यमंत्री के, शिवराज जी के आभारी हैं, विश्वास सारंग जी के, जिन्होंने निर्देश देकर जयप्रकाश अस्पताल में ये कैंप आयोजित कराया है। मैं समझता हूँ कि इससे सुरक्षित जगह कोई और नहीं थी जहाँ पत्रकारों का टीकाकरण होता। आज ये टीकाकरण हुआ है, पत्रकारों ने के परिवारों ने सुरक्षित महसूस किया है अपने आप को। नहीं, अलग से व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था के साथ ही साथ इनका भी टीकाकरण हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है उसी के अनुसार किया गया है, और जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसी हिसाब से करा गया। सेंट्रल प्रेस क्लब ने वो सरकार से बोला था तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उसका वो नियमानुसार किया गया।